फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर पृथ्वी पटेल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉल्चिकम। फ्रेंड्स, कॉल्चिकम के क्या वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है जिसके बेस पर हम कॉल्चिकम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कॉल्चिकम को हम होम्योपैथी में भी यूज करते हैं और एज वेल एज फ्रेंड्स जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल पीपल है वो भी कॉल्चिकम को यूज करते हैं इन अ मटेरियलिस्टिक फॉर्म। हम होम्योपैथी में पोटेंटाइज फॉर्म में यूज करते हैं तो वो भी गाउट की कंडीशन में कॉल्चिकम देते हैं और फ्रेंड्स हम भी गाउट की कंडीशन में कॉल्चिकम देते हैं। बट फ्रेंड्स, हम कॉल्चिकम को गाउट की कंडीशन में कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं? बाय देयर इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम, बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, राइट? वो सिर्फ डायग्नोसिस पे प्रिस्क्राइब करते हैं। हम किस पे प्रिस्क्राइब करते हैं? हम उसके जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम होते हैं, उसके बेस पर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉल्चिकम है वो गाउट की कंडीशन में रूमेटिक, स्पेशली एक्यूट रूमेटिज्म, रूमेटिक कंप्लेन विथ और विदाउट स्वेलिंग, कॉल्चिकम वहां पर यूज होती है। गाउट, रूमेटिज्म, रूमेटिक कंप्लेन विथ और विदाउट स्वेलिंग, दैट मीन्स स्वेलिंग भी हो सकती है और विदाउट स्वेलिंग भी ये कंप्लेन होती है, राइट? तब हम कॉल्चिकम उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉल्चिकम के जो इंडिविजुअल है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कोल्ड से, बिकॉज कॉल्चिकम पेशेंट आर चिली पेशेंट। जनरली ऐसा देखा गया है मटेरियल मेडिका में कि जो भी रूमेटिक कंप्लेंट वाली जो भी मेडिसिन होती है वो कोल्ड से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। कोल्ड से उनकी जो भी रूमेटिक कंप्लेंट होती है वो बहुत ज्यादा एग्रावेट होती है। बट फ्रेंड्स, ऐसी भी एक रेमेडी है हमारी मटेरियल मेडिका में जिसमें रूमेटिक कंप्लेंट आर बेटर फ्रॉम द कोल्ड वॉटर, राइट? कौन सी वो मेडिसिन है? वो है लेडमपाल। फ्रेंड्स, लेडमपाल रूमेटिक कंप्लेंट में यूज होती है और उसके जो सारे ज्वाइंट पेन है वो बेटर फ्रॉम द कोल्ड वॉटर, राइट? तो ये बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। तो फ्रेंड्स, आपको लेडमपाल याद आना चाहिए। अगर एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है तो लेडमपाल की ये जो कैरेक्टरिस्टिक इंडिविजुअलिस्टिक मोडालिटी है तो वो आपको बताना है, राइट? तो फ्रेंड्स, जब भी कॉल्चिकम का पेशेंट है वो एग्रावेटेड फ्रॉम कोल्ड, डैम्प वेदर, कोल्ड रेन इन द फॉल, राइट? अगर बारिश में भीग गया है, कोल्ड, उसको ठंडी लग गई है तो उससे भी उसकी कंप्लेंट, उसके जो रूमेटिक पेन है वो एग्रावेट होते हैं। एग्रावेट इन एक्सट्रीम हीट ऑफ द समर, बट फ्रेंड्स बेटर फ्रॉम द हीट और रैपिंग अप, राइट? तो चिली पेशेंट है कॉल्चिकम, एग्रावेटेड फ्रॉम कोल्ड, डैम्प वेदर, रेनफॉल, बेटर फ्रॉम द हीट और रैपिंग अप वार्मली, राइट? फ्रेंड्स, जो कॉल्चिकम के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव इन व्हाट सेंस? किस में वो सेंसिटिव होते हैं? सेंसिटिव इन द ऑल दैट सेंसेस। फॉर एग्जांपल, कॉल्चिकम के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं फ्रॉम टच, फ्रॉम मोशन। टच और मोशन से उसके पेन जो है बहुत ज्यादा एग्रावेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रायोनिया में कितनी ज्यादा प्रोमिनेंट और कैरेक्टरिस्टिक मोडालिटी है कि एग्रावेटेड फ्रॉम मोशन और बेटर फ्रॉम रेस्ट, राइट? उसी तरह से फ्रेंड्स, कॉल्चिकम में भी जो भी रोमेटिक कंप्लेंट उसकी होती है वो एग्रावेटेड फ्रॉम मोशन एंड टच। फ्रेंड्स, अगर आपके आपके क्लिनिक में कॉल्चिकम का पेशेंट आया है और उसको नी पेन है या रोमेटिक कंप्लेंट है कोई भी जगह पे, या एंकल पे स्वेलिंग है और कंप्लेंट है रोमेटिक, उसको आप टच करने की कोशिश करेगा, जैसे ही आप टच करोगे पेशेंट स्क्रीम लाइक एनीथिंग, राइट? बहुत ज्यादा वो जोर से चिल्लाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पेन बहुत ज्यादा बढ़ता है जब भी कोई उसको टच करता है, राइट? और जब भी वो मोशन करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कॉल्चिकम एग्जाम में पूछी जाती है तो फ्रेंड्स आपको ये पहले बताना है कि व्हाट आर द मोडालिटी ऑफ कॉल्चिकम। अगर आपको कॉल्चिकम को प्रिस्क्राइब करनी है इन केस ऑफ एक्यूट रूमेटिज्म तो फ्रेंड्स आपको ये मोडालिटी मिलनी ही चाहिए कि एग्रावेटेड फ्रॉम टच एंड मोशन। टच एंड मोशन ब्रिंग्स द पेन, राइट? नेक्स्ट इज ऑर्डर। फ्रेंड्स, कॉल्चिकम का जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है फ्रॉम ऑर्डर, फ्रॉम स्मेल। कौन सी स्मेल? कुकिंग, लाइक जो फूड की स्मेल होती है, जब भी फूड कुक होता है उसकी जो स्मेल होती है उससे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा। फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर सिम्टम्स है वो सीपिया में भी देखने को मिलता है, आर्सेनिक में भी मिलता है, राइट? बट फ्रेंड्स, कॉल्चिकम में तो बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा, +3 mark के सिम्टम्स है। फ्रेंड्स, स्मेल से तो पेशेंट सेंसिटिव है, बट फ्रेंड्स इवन द साइट और थॉट ऑफ द फूड इट कॉजिंग नोशिया, राइट?
साइट मीन्स जैसे पेशेंट कोई भी फूड को देखेगा तो तुरंत उसको नोजिया स्टार्ट हो जाएगा, इवन उसके बारे में फूड के बारे में सोचेगा भी तो भी उसको नोजिया स्टार्ट हो जाएगा, इतना ज्यादा सेंसिटिव है और उस प्रोड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग राइट। और इसीलिए फ्रेंड्स कॉचिकम में जो भी पेशेंट है वो एवर्जन टू फूड हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि स्मेल और साइट इवन थॉट ऑफ द फूड कॉजिंग नोजिया राइट, इसकी वजह से लेटर ऑन पेशेंट को एवर्जन टू फूड हो जाता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है राइट। इसीलिए हेट फॉर द फूड हो जाता है, एवर्जन टू फूड हो जाता है राइट। तो स्मेल कॉजिंग नोजिया, इवन साइट और थॉट ऑफ द फूड कॉजिंग नोजिया, नोजिया फॉलोड बाय रैचिंग राइट। लास्ट फ्रेंड्स जो मैंने कोलोसिन का वीडियो बनाया है तो फ्रेंड्स उसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोजिया, वॉमिटिंग एंड रैचिंग। फ्रेंड्स अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज फ्रेंड्स वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने क्लियरली एक एक को डिफरेंशिएट किया है कि कब हमको पेशेंट में नोजिया लेना है, कब रैचिंग लेना है और कब वॉमिटिंग लेना है। और फ्रेंड्स इसमें भी बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक होती है, कुछ रेमेडी में रैचिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, कुछ मेडिसिन में वॉमिटिंग मिलती है बहुत ज्यादा राइट। डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ वॉमिटिंग और रैचिंग होता है राइट। फ्रेंड्स वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव। एक्शन जो कॉल्चिकम की जो एक्शन है हमारे बॉडी में वो कहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो गाउट रूमेटिक कंप्लेंट में यूज होती है, तो फ्रेंड्स उस बहुत सारी मेडिसिन है जो गाउट और रूमेटिक कंप्लेंट में यूज होती है, बट फ्रेंड्स जो कॉल्चिकम की जो स्पीयर ऑफ एक्शन है वो है मस्क्यूलर टिश्यूज, पेरिओस्टियम, बोन एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन। फ्रेंड्स ये साइनोवियल मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है तो इसीलिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव टू टच है, ऐसे भी हम सोच सकते हैं राइट। तो उसकी जो एक्शन है वो मस्कुलर टिश्यू, पेरिओस्टियम और साइनोवियल मेम्ब्रेन राइट। तो फ्रेंड्स जो भी वो मसल्स पे एक्ट करती है इट कॉजिंग ग्रेट रिलैक्सेशन, बहुत ज्यादा वो रिलैक्स कर देती है और प्रोस्ट्रेशन वाली फीलिंग प्रोड्यूस करती है, इसीलिए फ्रेंड्स प्रोस्ट्रेशन बहुत ज्यादा मार्क देखने को मिलेगा, जो भी अफेक्टेड जॉइंट है वहां पे बहुत ज्यादा आपको वीकनेस देखने को मिलेगी, प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलेगी और कॉजिंग अ वीकनेस ऑफ द लिंग्स। फ्रेंड्स मेरे पास एक केस आया था जिसमें वो लेडी की कंप्लेंट थी कि यहां से पेन स्टार्ट होता था और शोल्डर से पेन स्टार्ट होता था और फिंगर तक जाता था, और रूमेटिक कंप्लेंट उसकी थी और उसकी जो मोडालिटी थी ऐसी थी कि एग्रेवेटेड फ्रॉम टच, बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव थी टच से, और फ्रेंड्स उसका जो पेन था वो रेडिएटिंग पेन था, वो एक जगह पर नहीं रहता, पूरे जो लिम्स थे उसमें अल्टरनेटिंग होता रहता था। और फ्रेंड्स उसकी स्पेशल ये कंप्लेंट थी कि मैं कोई भी चीज पकड़ू तो वो पकड़ नहीं पाती थी, वो उसको होल्ड नहीं कर पाती थी, उसके हाथ से छूट जाता था राइट। तो वो क्या है, वो है वीकनेस ऑफ जॉइंट्स राइट। तो फ्रेंड्स उसमें मैंने कॉल्चिकम प्रिस्क्राइब की थी और आई गेट वेरी गुड रिजल्ट राइट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है वो है टेंडेंसी टू जो पेन है मूव फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर जॉइंट। फ्रेंड्स ये कॉल्चिकम पेशेंट होगा तो उसमें बहुत ज्यादा मार्क आपको देखने को मिलेगा, ये पिक्यूलर सिम्टम्स है। फ्रेंड्स बहुत सारी ऐसी रेमेडीज है जो रूमेटिक कंप्लेंट में यूज होती है और ऐसा अल्टरनेटिंग पेन देखने को मिलता है, बट फ्रेंड्स कॉल्चिकम में ये मार्क है कि जो पेन है वो स्टिफ टू वन जॉइंट टू अनदर जॉइंट, रिक्वायर्स टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर जॉइंट विथ देयर कैरेक्टरिस्टिक मोडालिटी और देयर वीकनेस राइट। दिस इज द कॉल्चिकम कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमको कॉल्चिकम वहां पे प्रिस्क्राइब करनी है राइट। ऐसा नहीं कि गाउट देखा तो हमने कॉल्चिकम प्रिस्क्राइब कर दी राइट। बहुत सारे ऐसे होम्योपैथ है जो ऐसा करते हैं कि गाउट है तो कॉल्चिकम दे, नहीं ऐसा नहीं करना है, हमको उसके इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स लेने हैं और उसके जो पिक्चर है उसके साथ मैच होता है तब भी हमको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉल्चिकम की वो है ड्रॉप्सिकल कंडीशन। फ्रेंड्स कॉल्चिकम में ये बहुत ज्यादा मार्क है कि ड्रॉप्सिकल कंडीशन देखने को मिलेगी राइट। तो वो ड्रॉप्सी क्यों होती है, क्योंकि इंफ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से, रोमेटिक कंप्लेंट की वजह से, उसकी रूमेटिक और इंफ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से जो भी अफेक्टेड पार्ट है वहां पे ड्रॉप्सी देखने को मिलती है, इडिमा देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स उसका एडिमा कैसा होगा, तो जो भी अफेक्टेड जॉइंट है वो लुक लाइक रेडनेस, हीट, पिटिंग और प्रेशर राइट, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स कॉल्चिकम में दो तरह की कंप्लेंट देखने को मिलती है, जो भी अफेक्टेड जॉइंट है इट्स स्वेल, रूमेटिक कंप्लेंट विद स्वेलिंग और विदाउट स्वेलिंग राइट। अगर स्वेलिंग देखने को मिलती है तो जो अफेक्टेड जॉइंट है वो रेड होगा, हॉट होगा और पिटिंग वाला प्रेशर होगा राइट। तो वो भी एक प्रेजेंटेशन हो सकता है कॉल्चिकम का, और विदाउट स्वेलिंग भी कॉल्चिकम का जो भी प्रेजेंटेशन हो सकता है। फ्रेंड्स जो भी मेरे पास जो पेशेंट आया था
उसमें स्वेलिंग नहीं थी, सिर्फ उसमें पेन था, कैरेक्टरिस्टिक मोडालिटी थी और मार्क वीकनेस थी। ये तीनों मेरे को मिल गए, देन आई प्रिस्क्राइब कोल्चिकम इन 200। जॉइंट में ड्रॉपसिकल कंडीशन नहीं करती, और भी बहुत सारे जगह है जिसमें वहां एक प्रोड्यूस्ड ड्रॉपसिकल कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में भी ये इडिमा प्रोड्यूस करती है, प्लूरा, प्लूरा में भी ये ड्रॉपसिकल कंडीशन करती है, पेरिकार्डियम। फ्रेंड्स उसमें हार्ट में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एक्शन है। फ्रेंड्स ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो भी रूमेटिक कंप्लेंट्स होती है पेशेंट को, अगर उसको सप्रेस किया जाए तो हार्ट की कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती है, फॉर एग्जांपल रूमेटिक ट्रबल्स ऑफ द हार्ट और वाल्वुलर डिफेक्ट। फ्रेंड्स डॉक्टर कैन सर ने बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया है उनकी मटेरियल मेडिका में, अगर फ्रेंड्स आपके पास हार्ट में वाल्वुलर डिफेक्ट लेके आता है तो आप हिस्ट्री लीजिएगा कि उसको पहले कभी भी रूमेटिक पेन होता था या रूमेटिक पेन की कंप्लेंट थी। जनरली 99% आपको ये हिस्ट्री मिलेगी कि पहले मुझे बहुत ज्यादा रूमेटिक पेन होता था, मैंने ये मेडिसिन ली, अब रूमेटिक पेन चला गया बट मुझे अब हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, लाइक वाल्वुलर डिजीज ऑफ द हार्ट, इसकी कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स आपको सप्रेसिव थेरेपी नहीं लेनी है। ये क्या हुआ बेसिकली, ये सप्रेशन हुआ, द डिजीज गोज फ्रॉम इनवर्ड आउटवर्ड टू इनवर्ड। जो डिजीज जो हमारे पेरिफेरी में था वो डिजीज अंदर चला गया, हमारी इनर बॉडी में चला गया, राइट। तो सप्रेशन नहीं करना है फ्रेंड्स हमको। फ्रेंड्स इवन इट प्रोड्यूस ड्रॉपसी आफ्टर स्कारलेट फीवर और एक्यूट फीवर, ऐसी भी आपको हमने देखने को मिलती है कोल्चिकम में कि ड्रॉपसिकल कंडीशन हुई है उसके पहले उसको बहुत ज्यादा एक्यूट कंप्लेंट थी, एक्यूट फीवर आया, वो तो चला गया, फिर ये ड्रॉपसिकल कंडीशन स्टार्ट हो गए, राइट। तो उसमें भी आप कोल्चिकम सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो कहाँ कहाँ पे ड्रॉपसी प्रोड्यूस करती है, अफेक्टेड जॉइंट पे, एब्डोमिनल कैविटी में, प्लूरा में, पेरिकार्डियम में, और स्पेशली आफ्टर द एक्यूट फीवर्स और स्कारलेट फीवर। एक केस था जो डॉक्टर कैंस ने प्रिस्क्राइब किया अपनी मटेरिया मेडिका में। फ्रेंड्स ये वीडियो फिनिश हो जाने के बाद आप कैंस मटेरिया मेडिका में से एक बार कोल्चिकम जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है, बहुत ज्यादा कि आप एक बार कोल्चिकम पढ़ोगे ना और ये वीडियो देखने के बाद तब कोल्चिकम को कभी मिस नहीं कर पाओगे अपनी प्रैक्टिस में, राइट। तो फ्रेंड्स उनमें एक केस दिया था कि काउ का केस था कि जो काउ होती है वो उसने बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर दी थी, तो उसके बाद उसका जो एब्डोमेन है वो बहुत ज्यादा फूल गया था। क्यों? क्योंकि फ्लैचुलेंस की वजह से वो बहुत ज्यादा एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया था, बहुत ज्यादा उसको गैस हो गई है, बहुत ज्यादा फ्लैचुलेंट हो गई थी, और वो कंडीशन कहते हैं टिम्पेनाइटिस, टिम्पेनाइटिस की कंडीशन हुई थी। तो जनरली तो कैंस ने प्रिस्क्राइब की वहां पे कोल्चिकम, कोल्चिकम ने 200 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब की थी, और उसके बाद उसकी जो डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमिनल है थोड़ी देर में बहुत ज्यादा जो थी वो कंप्लीटली रिमूव हो गई, उसकी जो फ्लेचुलेंस की कंप्लेंट थी वो कंप्लीटली रिमूव हो गई। तो फ्रेंड्स इस कोल्चिकम में भी ये प्रोमिनेंट सिम्टम्स को मिलता है कि जो भी फ्लेचुलेंट होता है तो उसमें एब्डोमिनल कैविटी बहुत ज्यादा डिस्टेंडेड होती है, फ्लेचुलेंट विद टिम्पेनाइटिस, टिम्पेनाइटिस मीन्स द फ्लैचुलेंस की वजह से जो भी एब्डोमेन है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंडेड हो गया, राइट, ड्यू टू द फ्लैचुलेंस। अगर फ्रेंड्स ऐसे आपको कोई फ्लैचुलेंस का केस मिलता है तो यू कैन प्रिस्क्राइब कोल्चिकम, राइट। फ्रेंड्स नेक्स्ट केस यूरिनरी सिस्टम। फ्रेंड्स उसकी यूरिनरी सिस्टम पे बहुत ज्यादा मार्क एक्शन है। हमने लास्ट मेडिसिन पढ़ी थी बेंजोइक एसिड, राइट, बेंजोइक एसिड में भी ऐसा था कि वो भी रेमेडी, इट्स अ गुड रेमेडी फॉर गाउट, उसकी भी जो यूरिनरी सिस्टम पे बहुत मार्क एक्शन है, राइट। तो फ्रेंड्स अगर आपने बेंजोइक एसिड का वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स वो आप जरूर देखेगा, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो फ्रेंड्स कोल्चिकम इस तरह से कोल्चिकम भी यूरिनरी जो सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा मार्क एक्शन होती है। तो फ्रेंड्स उसमें क्या, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। तो यहाँ पे जो यूरिन है वो बहुत ज्यादा स्कैंटी है और डार्क कलर, लाइक इंक कलर यूरिन, इससे हमारी मेट्रो अमेरिका में डिस्क्राइब किया है कि इंक कलर का यूरिन होता है, विथ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, राइट, विथ ड्रॉपसिकल कंडीशन, इंफ्लामेटरी इंफ्लामेशन ऑफ द किडनी, उसको कहते हैं हम ड्राइड डिजीज, डिटेंशन ऑफ द यूरिन, टिनेसनेस ऑफ द यूरिन। फ्रेंड्स ये बेसिकली जो किडनी है उसमें इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती है, ब्राइस डिजीज प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से उसमें स्पेशली जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है वो है डार्क इंक कलर यूरिन विथ आल्ब्यूमिन, स्कैंटी यूरिन, रिटेंशन ऑफ द यूरिन इन सम केस, और टिनेसनेस ऑफ द यूरिन विथ और विदाउट ड्रॉपसी, राइट। ड्रॉपसी के साथ अगर फ्रेंड्स आपको ये सिम्टम्स मिलता है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक यूरिन मिलती है, तो यू कैन प्रिस्क्राइब कोल्चिकम। फ्रेंड्स बेंजोइक एसिड में भी बहुत ज्यादा मार्क यूरिन था, क्या था उसका कैरेक्टरिस्टिक, फ्रेंड्स
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, और वो वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि बेंजोइक एसिड का यूरिन का कैरेक्टर क्या है, क्या है उसकी इंडिविजुअल सिम्टम्स, बेंजोइक एसिड और कोल्चिकम का जो यूरिन है उसको आपको कंपेयर करना है। रेडिस कीनोट्स मटेरिया मेडिका है तो उसमें ये बहुत ज्यादा मार्क कीनोट दिया है कि कोल्चिकम इज यूज When the person की जो स्लीप है वो लॉस ऑफ स्लीप हुई हो और नाइट ड्यूटी की वजह से और बहुत ज्यादा ओवर स्टडी करने की वजह से नाइट में लॉस ऑफ स्लीप हुई और फिर उसकी जो सारी कंप्लेन स्टार्ट हुई है, तो वहां पे भी हम कोल्चिकम को यूज कर सकते हैं। मीन्स जनरली ये कंडीशन जब आती है लॉस ऑफ स्लीप ड्यू टू द नाइट वॉचिंग और नाइट और नाइट स्टडी, राइट, वहां पे हमको ये रेमेडी याद आती है कॉक्यूलस, राइट। कॉक्यूलस में ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है कि नाइट ड्यूटी बहुत ज्यादा नाइट में पड़ेगी और फिर उसके बाद सारी कंप्लेंट स्टार्ट हो गई लॉस ऑफ स्लीप, राइट। तो वहां पे हमको ये रेमेडी आ जाती है कॉक्यूलस। बट फ्रेंड्स कोल्चिकम में भी कीनोट्स में दिया है कि कोल्चिकम यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स हेडेक। फ्रेंड्स ये जो उसका जो हेडेक रहेगा वो रूमेटिक टाइप का हेडेक होगा, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली लाइक स्टिचिंग पेन पियर्सिंग टाइप ऑफ पेन रहेगा और एग्रेविटी फ्रॉम मोशन एंड टच, राइट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कोल्चिकम। तो आई में भी क्या देखने को मिलता है, रूमेटिक कंप्लेन ऑफ द आईज लाइक रूमेटिक एराइटिस, वहां पे हम कोल्चिकम को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टंग। फ्रेंड्स यहाँ पे उसकी जो टंग है वो ब्राउन कलर की टंग रहेगी, ब्राउन टंग। और टंग के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट रेमेडी की क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टंग है, राइट। तो एक अगर फ्रेंड्स आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि फ्रेंड्स मुझे टंग पे वीडियो चाहिए, जो डिफरेंट डिफरेंट रेमेडी की जो टंग है वो हम पर्टिकुलर बॉडी वीडियो में डिस्कस करें। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अभी तक आपने फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग मेडिसिन के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे सेफ स्टे विद होम्योपैथी। थैंक यू फ्रेंड्स।